पार्लियामेंट नहीं सी, समझो कि पार्लियामेंट का की रोल है, पार्लियामेंट का की काम है। और अगर असि आप नहीं, अगर असि आप नहीं करेंगे तो किने साड़ी इज्जत करनी है? सरकार से निकल के, सरकार से निकल के एक बहुत अजीब गल है राणा साहब, कि खुद पार्लियामेंटेरियंस, खुद पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं है। और जुडिशियल रमान कमीशन ने रिपोर्ट दी, कौमी असेंबली सारी भी बह के रिपोर्ट नहीं दे सकती जितनी अच्छी रिपोर्ट हमूदर रहमान कमीशन ने। लिहाजा साडा ही ते काम नहीं है जी, ते देखो असी अपनी गल सुनो, असी अपनी गलतियां दी, साडी गलतियां दी निशानदेही ने एदी, साडी गलतियां दी निशानदेही ना राणा साहब ने खुद पार्लियामेंटेरियन ने, खुद पार्लियामेंटेरियन ने और खुद कह रहे ने कि पार्लियामेंट में अदालत में लिखो तो राणा साहब अपने से इस बार करो, पार्लियामेंट में बड़ा कुछ फल देना है। अच्छा राणा साहब फिर सुप्रीम कोर्ट भी असी खुद हो जाने हैं, फिर इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करने ने, तो फिर पार्लियामेंट किस वास्ते है? आवाम ने वोट क्यों दिते तुहानू? क्यों इलेक्शन कराने पे चीफ जस्टिस नु को आगे हुकूमत चला? मैं ये कर रहा कि जेड़ा काम अदालतों दा साडे कोल क्यों कराना चाहंदे? अदालत दा काम नहीं है, अदालत दा काम नहीं है। अगर कौम नु हकीकत दसनी है, अगर कौम नु 100% ने दसनी है ना, नहीं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दसनी। ओके सर, ये बात अब आप इंटरेस्ट क्यों नहीं है? चौधरी साहब असली वोट तो आने के साथ नहीं जाना, अभी वोट तो चौधरी इफ्तिखार नहीं दे रहा देते सर, राशिद साहब के चौधरी इफ्तिखार होते ही नहीं। वो भी मजबूर, वो मजबूर ने उन्होंने होने क्या है कि जो साडा लीडर फैसला करे उससे होते असली चलना, बैक वाले उन्होंने छोड़ दियो, बैक है उन्होंने छोड़ दियो, जो बैक है ना नहीं कहनी है। कल कल इधर बैठे जो ये तो कातिल कहते हैं, चौधरी शुजात साहब ने फैसला किया उधर जाने का, तो कातिल मकतूल कट्ठे हो गए। सर दस रहा कातल की गल कही, जिसले असी ए आर डी बनाई सी उदो भी तुम गल कड़ने सर, तुम साढ़े को आकर रल गए। सो इस जमहूरियत दे विच टॉलरेंस ही सब तो वड्डी चीज है, बर्दाश्त करना है और अपनी जात नहीं, अपनी जात नहीं, अपनी जात नहीं, अपनी जात नहीं। देखो वो ए आर डी से बनी सी, साडे वर्कर के खिलाफ परचे किए, साडे पार्टी के लीडर अंदर किया, लेकिन असी भी जमहूरियत की खातर उसे कहा कि नहीं ऐसे तकलीफ है, अगर इन्हें बाहर भी होए। अच्छा टॉपिक टॉपिक तो असी डिट्रैक अलाइंस मेरा टॉपिक नहीं है, वापस टॉपिक ते आने हैं कि वोट तेराना साहब तुसी अपने हलके तो लेकर आए हो, मेंबर नेशनल असेंबली हो, ठीक है, عوام نے تانوں ووٹ کس واسطے جواب تے بھی انہوں نے عوام نے ووٹ کس واسطے میں نے اس دا جواب دے دیتا کہ میں انہاں دی نمائندگی کر انہوں نے جواب دیتا کہ برادری دی وجہ سے ووٹ لے ائے نے پارٹی دی وجہ سے انہاں اندر میں ستویں دفعہ میں نے ہو رہا جو جو او اوتھ لیا جاتا ہے سب تو تھوڑی جو پارلیمنٹیرینز اوتھ لیندے نے او اوتھ کس واسطے لیندے نے اگر سارے فیصلے جوڈیشری نے کر دنے افتخار چوہدری نو تے اسی ووٹ نہیں دتے جنرل کیانی نو تے اسی ووٹ نہیں دتے جنرل پاشا نو تے اسی ووٹ نہیں دتے اسی تے ووٹ تو نہیں دتے سارے فیصلے یا کون فیصلے کر دیا یا جوڈیشری فیصلے کر फैसला किधरों आएगा, पार्लियामेंट तो आएगा या सुप्रीम कोर्ट तो पार्लियामेंट का बना लो करते फिर फैसला जज हो जाए, देखो जे जो फैसला जुडिशियल पार्लियामेंट गलत फैसला करती है तो आवाम तो जवाब आ जाएगा, तो चुके फिर उसने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस लेके जाओगे जिन्होंने गलत फैसला किया, वो जरा तरीका है कि जिसने पार्लियामेंट गलत कर दी तो रेफरेंस ले जाओ फिर उसके बाद कोर्ट के कोल जाओ। अभी अभी भी तुसी खुद भी पार्लियामेंटेरियन हो, अगर पार्लियामेंटेरियन खुद ही अपने उस हाउस जेड़ा उस दे तकद्दस दे एहतराम नहीं करेंगे और इस तरह बैठ के कहेंगे कि सानू उस दे एतमाद ही नहीं है तो फिर पार्लियामेंट दी इज्जत, मैं तो कह रही हां कि नून लीग दे रखे मुस्ताफी हो जाए, असी खुद कह रहे हैं गुजारिश कर सानू अदालत दे एतमाद है लेकिन अपने दायरे कार विच और दोबारा तुसी कहंदे हो कि जी इन्हां पार्लियामेंट अपने उत्ते इन्हां नू एतमाद नहीं है, मैं गुजारिश करनी आ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੌਜ ਔਰ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬਾਅਦ। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला अगे वधाने हैं और ब्रेक तो जाने तो पहले मैं एक ऐसी कि असी ब्रेक तो वापस आके पूछेंगे कि क्या इदारियां दे दरमियान कोई टकराव या महाजराई दा खदशा भी है या नहीं, इसका जवाब चौधरी साहब तो मैं लवांगी। जैसा फौज और अदलिया क्या आमने सामने आ जाएंगे? वैसे पीपल्स पार्टी वास्ते बड़ी आसानी है, दोनों इदारे मसरूफ हो जाएंगे, तुहानू कुछ कहेंगे नहीं, बैठ के हुकूमत करते रहो, बनाते हो जुडिशियल कमीशन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इन चीज़ों की मुहताज नहीं रही, उन्हें हमेशा अवाम के बेस से इलेक्शन लड़के अगे आई है और कुर्बानियाँ देकर आई है। इस वजह से फिक्रा ताडा कहना कि शायद वो लड़ते रहते कुछ होएगा, नहीं ना सानू किसी इदारे तो खौफ सी तो ना है। असी समझने हर अदारा अपना अपना एक रोल अदा करे और इंस्टीट्यूशन मजबूत होना चाहिए और ये मजबूती असं कोशिश कर रहे हैं कि असी रिकनसिलेशन भी की है, मफाहमत भी की उस वास्ते कि भी इसे तरह तुम इस निज़ाम चलाओ जरा निज़ाम जमहूरीत है जिसकी खातर असी सब ने कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने चलाओ। इस वजह से मैं नहीं समझता और दूसरा जैसा टकराव तो तलक है, मैं नहीं समझता कोई टकराव नज़र आ रहा। इस बुनियाद नहीं नज़र आ रहा कि यह एक मैं जैसा पहले सियासी शोभदाबाजी कही है, उन्होंने सियासी शगुफियाँ समझ लो कि बे बेसिकली उन्होंने इशू कोई नहीं पी एम एल एन को अपनी गवर्नेंस फ्लॉप हो चुकी है, पंजाब के वन मैन शो से वो फ्लॉप हो चुका है। मियाँ साहब क्योंकि गैप काफ़ी ज़्यादा सी, उन्होंने तबीयत खराब सी, गैप सी, हूँ वापस आके तो उन्होंने हूँ री एंट्री जी तुम पहले हफ्ते फिक्र बोलिया कि एंट्री पाई है तो इतने क्योंकि एक दिन की सुरखी दो दिन की सुरखी से गल तक रात टीवी शीवी तो चले वन साइडेड फैसला है। हाँ अगर वो समझते सी फैसला तो असैम्बली लिया के प्रपोज पेश करते, उसे प्रपोजल पेश करते, सारी असैम्बली ऑन बोर्ड लेंदे, उसे हो सकता असैम्बली सारी पास कर देंगी रेजोल्यूशन मूव कर सवेरे कि मैं रखा इन्होंने रेजोल्यूशन मूव कर उसे नहीं किया जरा कानूनी तरीका है बैठ के एक अपनी पार्टी की मीटिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी तो एवें डी ट्रैक करना सोचा इसलिए बहुत संजीदगी दे नाल सोच की जरूरत है। मुल्क बहुत इसलिए संजीदगी दी आसे फसया पे है, ऐसे तमाम अदारे उत्ते प्रेशर दा मुजाहरा हुकूमत वालों इस तरह किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर सब तो पहले चले गए पेरिस और सदर पाकिस्तान रूस रवाना हो गए, बड़ी संजीदगी दा मुजाहरा किया जा रहा है। जरा फिक्र है अतिया साहिबा, मैं पहले सुन लो ना पहले जवाब साहिब अगे ना लगे जा जवाब लेके जाओ मेरे को। ये तुसी उन्हें कहा जी कि वो चले गए संजीदगी का मुजाहरा किया, साडे अंदर पता नहीं क्यों एक साड़ी पूरे जरे ना एक कुछ लोगों की सोच ऐसी आ गई है कि सिर्फ बन सन के समझ के सामने टीवी पर बैठ के असं गल कर दी है, साडा प्रेजिडेंट आवे तकरीर कर दे, प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर दे, इतने बैठ रहे एक जिसले एक अदारा बनया है फॉरन मिनिस्ट्री। अच्छा एक अदारा बनया है फॉरन मिनिस्टर तो है नहीं तुहाडे कोल, नहीं मिनिस्टर क्यों नहीं गा, कौन है मिनिस्टर? हिना रुबानी खर क्या बोली है? हिना रुबानी खर साहिबा क्या बोली है? स्टेटमेंट दसो मैंने, मिनिस्टर जरा वो यूसुफ और गिलानी मिनिस्टर तो मैंने स्टेटमेंट दसो ना क्या है जो फॉरेन सेक्रेटरी ने देती नहीं स्टेटमेंट तक ब्यूरोक्रेसी स्टेटमेंट दे रही है। ब्यूरोक्रेसी क्यों होती है? मिनिस्ट्री जरिए गवर्नमेंट होती है। ठीक है चौधरी साहब, मैं थोड़ा जवाब मैंने मिल गया, मैं थोड़ा जवाब मैंने मिल गया, अनपढ़ लिखा करो पढ़ा लिखा करो, ब्यूरोक्रेट जवाब दे रहे हो और तुम ब्यूरोक्रेट की है। अच्छा किस पे आप दे रहे हो? ये रिप्रेजेंटेटिव स्टेट का मिनिस्टर क्यों खामोश है? अगर फॉरेन मिनिस्टर है तो क्यों खामोश है? इसलिए प्राइम मिनिस्टर के कोल पोर्टफोलियो है तो उन्हें जवाब देता है तो उस तो पर स्टेटमेंट से की जरूरत रहती थी। प्राइम मिनिस्टर तो उठ के चले गए बाहर, क्यों चले गए? पॉलिसी स्टेटमेंट देके